हेलो एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में हम एक ऐसी हैबिट की बात करने वाले हैं जो कि आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसको क्रैक करने में काफी हेल्प कर सकती है। नाउ आपको पता है कि हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज जो भी हम आज हैं वो अपनी हैबिट्स की वजह से ही है। तो हैबिट्स आपको एक या दो दिन में रिजल्ट्स नहीं देती है, आपको इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलो करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद ही रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं आपको जो आज हैबिट बताने वाला हूं, ये आपकी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को या कोई भी एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प कर सकती है, अगर आप इसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577, और आज हम एक इंपॉर्टेंट हैबिट की बात करने वाले हैं जिसने मुझे वेरियस एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करी, लाइक यूपीएससी, असिस्टेंट मैनेजर इन नाबार्ड, प्रोबेशनरी ऑफिसर इन एसबीआई, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन नेशनल इंश्योरेंस, देन डबल एओ इन एलआईसी और जेआरएफ का एग्जाम। बट इससे भी ज्यादा एग्जाम्स में मुझे फेलियर मिला जब मुझे उस हैबिट के बारे में नहीं पता था, जब मेरे पास जो स्ट्रेटेजी थी उसके अंदर वो हैबिट नहीं थी। चलिए, तो जब भी हम दिल्ली में जाते हैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए या घर बैठकर भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, देखिए डिटर्मिनेशन हम सभी के पास होता है, राइट, इंटेलिजेंस भी हम सभी के पास होती है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि डिटर्मिनेशन और इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी कुछ लोग एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कि एक एवरेज इंटेलिजेंस का जो इंडिविजुअल होता है वो एग्जाम को क्रैक कर देता है, ऑन द कॉन्ट्ररी जिससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं और ये हम मानते हैं कि उसका इंटेलिजेंस लेवल भी ज्यादा है, फिर भी एग्जाम वो क्रैक नहीं कर पाता है। इवन तो जो दो लोग हैं दोनों का डिटर्मिनेशन लेवल भी सेम होता है, तो वहां पर बात आती है, जो डिफरेंस होता है वो होता है स्ट्रेटजी के अंदर। तो स्ट्रेटजी जब आपके पास आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी इंटेलिजेंस के साथ मिल जाती है, उसके बाद एग्जाम क्रैक होना बहुत आसान हो जाता है। तो उसी स्ट्रेटजी के अंदर अगर आप आज जो हैबिट की बात करने वाले इसको डाल लेते हैं, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कटिंग एज बन जाएगी। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सब कुछ छोड़ के इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी हो, पीएससी हो, उसके बावजूद भी, इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी, डिटर्मिनेंट होने के बावजूद भी एग्जाम नहीं निकलता है। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर पीपल जो कि अपनी जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और वो भी इस एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे के बाद पढ़ने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रेटजी होती है, उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जो इनको ये एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करती है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको, जो भी हैबिट मैं आपको आज बताने वाला हूं, उसको 21 डेज तक आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि 21 डेज के बाद जो हैबिट होती है, ऐसा साइकोलॉजिकल स्टडीज में बताया गया है कि ये परमानेंट हो जाती है। मतलब 21 डेज प्रैक्टिस करने के बाद ये जो हैबिट होती है ये आपका एक पार्ट बन जाती है, आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाती है। तो यहां पे 21 डेज तक इसको प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपको बेनिफिट लगती है ठीक है, अदरवाइज इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बट बिलीव मी, इफ यू प्रैक्टिस इट फॉर 21 डेज यू विल थैंक मी। नाउ जो हैबिट की हम बात करें, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब होता है थिंकिंग, डीप लेवल थिंकिंग। मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कि ये है क्या और आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर इसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो होता क्या, देखिए जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी बुक्स परचेस करते हैं, लाइक हम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करेंगे, फिर स्पेक्ट्रम पढ़ना शुरू करेंगे, हिस्ट्री के लिए इसी तरीके से हम वेरियस सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करते हैं, और राउंड द ईयर 364 डेज आउट ऑफ 365 हम पढ़ते जाते हैं, इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में लेते जाते हैं, राइट। दैट इज व्हाट वी कॉल द टेकिंग इन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। इसे टेकिंग इन ऑफ द इन्फॉर्मेशन कहते हैं, क्यों? क्योंकि 364 डेज हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे और 365th डे पर जब एग्जाम होगा तो हमारा वो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बट हर बार ऐसा होता नहीं है। व्हाई? बिकॉज टेकिंग इन इन्फॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम टेकिंग आउट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एग्जाम के दिन आपको इन्फॉर्मेशन को टेक आउट करना होता है, मतलब अपने ब्रेन से बाहर निकालना होता है, और जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में लेके जा रहे होते हैं। जब इन्फॉर्मेशन को आप अपने ब्रेन में लेके जाते हैं तो डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं वो यहां पर एक्टिवेट होते हैं, लेकिन जब आप इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग से बाहर लेके आते हैं तो डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क एक्टिवेट होते हैं। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि 364 डेज पढ़ने के बाद जस्ट एक दिन एग्जाम वाले दिन आप टेक आउट करेंगे इन्फॉर्मेशन को, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि वो न्यूरल नेटवर्क जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग लिंक बना पाएंगे कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन एग्जाम के टाइम पे चाहिए वो इमीडिएटली आपको प्रोवाइड करी जाए। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग एग्जाम में बैठे बैठे ऐसा सोचते हैं कि यार ये मैंने कहीं पढ़ा तो था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, और जब वो मेंस का एग्जाम लिख रहे होते हैं लिखते लिखते वो रुक जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ज्यादा मटेरियल होता भी नहीं है, इवन दो वो सब चीजें उन्होंने पढ़ रखी होती हैं। तो यहां पे हमें करना क्या है, तो पहले तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना एग्जाम को क्रैक करने का आप प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि रीडिंग और क्रैकिंग द एग्जाम का कोई यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन थिंकिंग और क्रैकिंग द एग्जाम का यहां पे डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना शुरू कर दीजिए। अब इस चीज को कैसे सोचना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपको करना क्या है, आप जो भी चीज पढ़ते हैं ना उसको आपको अपने दिमाग से बाहर लेके आना है, मतलब जो भी चीजें आपने टेक इन करी
दैट इज अगर मान लो आपने लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए आपने कोई भी बुक पढ़ी, उसको टेक इन ऑफ द इन्फॉर्मेशन किया, मतलब आप उसे अपने दिमाग में लेके गए, उसे किसी ना किसी तरीके से बाहर भी निकालना है। कैसे? सिर्फ वेट मत करिएगा कि जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन ही जाकर मैं अपने दिमाग से वो इन्फॉर्मेशन निकालूंगा और एग्जाम को क्रैक कर दूंगा। तो आपको करना क्या, यू नीड टू गेट आउट द इन्फॉर्मेशन जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। आप टेकिंग आउट ऑफ द इन्फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, मैं कुछ टेक्निक्स बताता हूं। देखिए बहुत से लोग डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं, उससे क्या होता है, जो चीज उन्होंने पढ़ी होती है, जब उन्होंने वो चीज इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में ली होती है, उसको वो दिमाग से बाहर निकाल हैं। तो डिबेट एंड डिस्कशन एक इसका वे आउट होता है। इसके अलावा टीचिंग इसका वे आउट होता है। कुछ लोग पढ़ाते हैं और अपने दिमाग से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालते हैं। कुछ लोग आंसर राइटिंग करते हैं। आंसर राइटिंग भी एक अच्छा जरिया है दिमाग से अपनी इन्फॉर्मेशन को निकालने का। लेकिन देखिए जब आप डिबेट और डिस्कशन करते हैं किसी दूसरे लोगों के साथ, तो आपको लोग चाहिए होते हैं। यहां पे टीचिंग के लिए भी आपको लोग चाहिए होते हैं और आंसर राइटिंग के लिए भी आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है। आपको टेबल पर बैठना है, पेन और पेपर चाहिए होगा। लेकिन सेलिब्रेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं सो दैट आप अपनी ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल सके। अब ये करेंगे कैसे, सेलिब्रेशन इज नथिंग बट डिबेट एंड डिस्कशन विद योरसेल्फ। तो मान लीजिए आपने आज सुबह चैप्टर वन पढ़ा लक्ष्मीकांत का, जिसमें आपने रेगुलेशन एक्ट के बारे में पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ा, चार्टर एक्ट 1833, 1853 के बारे में पढ़ा। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे जो आपको याद रखने होंगे। अगर आप पढ़ के उसे छोड़ देंगे तो ऑफकोर्स उसमें से 70-80% चीजें आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप सेलिब्रेशन करते हैं, मतलब उस पर डीप लेवल थिंकिंग करते हैं, तो ऑफकोर्स वो चीजें आपको हमेशा से याद रहेंगी। अब ये करना कैसे, देखिए मान लीजिए आप किसी लाइन में वेट कर रहे हैं, तो आपके पास 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम है, तो वहां पर आप जो भी चीज आपने पढ़ी है सुबह उसको रिवाइज कर सकते हैं अपने दिमाग में। पूछिए अपने दिमाग में, रेगुलेशन एक्ट में क्या था, क्या हमने सुप्रीम कोर्ट बनाई थी रेगुलेशन एक्ट में, यस और नो। क्या हमने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, यस और नो। उसके बाद डिस्कस करिए कि उसके बाद कौन सा एक्ट आया था, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था, क्या पिट्स इंडिया एक्ट वो रेगुलेशन एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, यस और नो। तो इस तरीके से जो WH क्वेश्चन होते हैं, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ, ये सारे क्वेश्चन आप अपने आप से करिए जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है। देखिए इसी तरीके से जो लोग जिनके पास कम टाइम होता है, चाहे वो जॉब कर रहे होते हैं कोई और काम कर रहे होते हैं, वो इसी तरीके से चीजों को कम समय में भी क्रैक कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने ट्रांजिशन टाइम को यूज करते हैं। जहां पर भी उनको 10-15 मिनट का 5-10 मिनट का टाइम मिलता है, तो वहां पर वो अपने दिमाग में जो भी चीजें पड़ी है उसे रिवाइज करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, वो न्यूरल नेटवर्क्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि एग्जाम के टाइम में आपको चाहिए, क्योंकि आप यहां से ब्रेन से अपनी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल रहे हो। और एग्जाम में भी आप क्या करते हो, एग्जाम में भी आप यही करते हो। आप क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए आप मेट्रो ट्रेन में बैठे हैं और आपकी हाफ एन आवर की जर्नी है, एक घंटे की जर्नी, कितने भी टाइम की जर्नी है, आप वहां पर बैठकर जो भी चीज आपने मॉर्निंग में पढ़ी है या इवनिंग में पढ़ी है उसे रिवाइज कर सकते हो, उसे सेलिब्रेट कर सकते हो, उसके ऊपर डीप लेवल थिंकिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, वो पढ़ा था और उसमें था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, तो उसके बारे में सोचिए कि क्या सिविल सर्विसेज को यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लाने की बात करी गई थी और क्या इसमें हमें सक्सेस मिली थी या नहीं मिली थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 से अलग कैसे था, तो यहां पे आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं डिफरेंट एक्ट्स का। आपके पास यहां पे टाइम ही टाइम है, नई इन्फॉर्मेशन को पढ़ने की बजाय अगर जो चीज पढ़ी गई है आप उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसके ऊपर डीप लेवल थिंकिंग करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमेशा से आपके पास रहेगी। जो ये छोटा छोटा आपके पास टाइम होता है, चाहे आप किसी लाइन में खड़े हैं या फिर ट्रेवल कर रहे हैं मेट्रो के अंदर, तो इस टाइम को वेस्ट मत जाने दीजिए। ये 10 से 15 मिनट 20 मिनट का जो टाइम होगा, ये आपकी पढ़ी हुई चीज को हमेशा के लिए आपके पास रखेगा अगर आप इसे ब्रेन लेवल पर डिबेट और डिस्कस करते हैं अपने साथ ही। फॉर एग्जाम्पल आप सोने जा रहे हैं, यहां पे तो साइकोलॉजिकल स्टडीज में प्रूव भी हो चुका है कि सोने से पहले आप जो भी चीज को रिवाइज करते हैं, जो भी चीज आपके दिमाग में जाती है, वो हमेशा से आपकी वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर रजिस्टर हो जाती है। तो यहां पर सोने से आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले, अगर टाइम ज्यादा नहीं है तो 15 मिनट ही ले लीजिए, जो भी चीज आपने पूरे दिन में पढ़ी है, आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है, किसी बुक को भी हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप अपनी आंखें बंद करिए और जो भी चीज आपने पूरे दिन में पढ़ी है उसे रिवाइज करिए, उसके बारे में सोचिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मॉर्निंग में इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में पढ़ा, तो उसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या बॉर्डर इश्यू हमारा चल रहा है, यस काला पानी के ऊपर हमारा बॉर्डर इश्यू चल रहा है। तो यहां पे देख सकते हैं आप आंखें बंद करके विजुअलाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसकी बाउंड्री जो है नेपाल से टच करती है। तो जितना भी ज्यादा आप सेलिब्रेट करेंगे, जितना भी डीप लेवल थिंकिंग करेंगे, वो आपको हमेशा हेल्प करेगा। अगर एक ये हैबिट आपकी ऑटोमेटिक हैबिट बन जाती है, मतलब अगर आप लाइन में खड़े तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो भी चीज आपने पढ़ी है उससे रिलेटेड मटेरियल आना शुरू हो जाता है, तो बिलीव मी ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है वो आपका क्रैक नहीं होगा। कम से कम टाइम में भी आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम क्रैक कर पाएंगे अगर आप एक ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं, जहां पर आप किसी भी 5-10 मिनट के टाइम को वेस्ट नहीं जाने दे रहे हैं। ऑटोमेटिकली 5-10 मिनट के टाइम में आपका ब्रेन जो है वो सारा मटेरियल प्रोवाइड करने आपको लग जाता है, आप उन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन ज्योग्राफी हो। अगर एक ये हैबिट आप डेवलप कर लेते हैं, सोने से पहले आप अपने टाइम को यूज करते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने टाइम को यूज करते हैं, अगर आप ऐसे आइडियल खड़े हैं और लाइन में वेट कर रहे हैं तो आप अपने टाइम को यूज करना
करना शुरू कर देते हैं। आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, टीचर के आने से 5-10 मिनट पहले का जो टाइम होता है वो भी आप यूज करते हैं, चाहे वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिबेट करने के लिए यूज करें किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, और अगर कोई फ्रेंड नहीं है आसपास तो आप चाहें तो खुद के साथ ही डिबेट और डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। तो अगर आप इन छोटे छोटे चंक ऑफ टाइम्स का यूज करते हैं तो कम से कम टाइम में भी आपका एग्जाम निकल जाएगा, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज आपने पढ़ी होगी वो आपको एक बार के पढ़ने के बाद ही याद रहेगी, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम्स उसकी रिवीजन अपने दिमाग में ऑलरेडी कर ली होगी। तो इसी तरीके से बहुत से लोग एग्जाम क्रैक करते हैं, मैंने भी काफी सारे एग्जाम इसी तरीके से करे। जब मेरे पास ये स्ट्रेटेजी आई तो मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया और अपने किसी भी छोटे से चंक ऑफ टाइम को भी वेस्ट नहीं जाने दिया। अगर आप भी ऐसी कोई यूनिक हैबिट यूज करते हैं जो आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विल एंड आवर वीडियो हियर। देयर इज अ टेलीग्राम चैनल और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड द MCQ लेसन्स। यू कैन प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।